हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त मुजम्मिल और हुसैन। मैं हूँ आपका दोस्त दानियार राजपूत। और आप देख रहे हैं मुजम्मिल एंड दानियार रिएक्शन चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंचते रहे। हम कुछ दिनों से नोट कर रहे हैं, कुछ दोस्त कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो हमारी वीडियो से देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। लेकिन ये बहुत सैड होने की बात है, उनसे गुजारिश है कि प्लीज प्लीज हमारे चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंचती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर इजीली जाकर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो लाजमी 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 फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सा कंटेंट ऑन दी वे है। आज हम इसी गाने पर बात नहीं करेंगे, आज मूवी का ट्रेलर पर बात करेंगे जिसका नाम है जिन्ने जम्मे सारे निकम्मे। तो मतलब नाम से ही लग रहा है कि भाई उनके आगे औलाद होंगे, तो लड़का लड़की जो भी होंगे वो भाई बहुत तंग करने वाले हैं, हंसी मजाक करने वाले हैं। तो मेरे को तो भाई नाम से ही हंसी आ रही है, जिन्हें जम्मे सारे निकम्मे। भाई क्या लगता है किस टाइप की मूवी होने वाली है? यार मेरे को तो कॉमेडी, फुल कॉमेडी, फुल कॉमेडी, बिल्कुल ये फुल कॉमेडी होने वाली है। और ये ना पंजाबी में होने वाली है, पंजाबी तो वैसे ही कॉमेडी में बड़ी फेमस लैंग्वेज है, मतलब फेमस है ना, तो और लोग बेताब करते हैं इस तरह की मूवी का क्योंकि नाम से ही वाजिया हो गया है जिन्हें जम्मे सारे निकम्मे। और ये मूवी रिलीज हो रही है 14 अक्टूबर 2021, मतलब 3 दिन बाद रिलीज हो मतलब रही कि है। 3 दिन बाद ये फिल्म रिलीज हो रही है। तो यार मैं तो बड़ा बेसब्री से वेट करूंगा इस फिल्म का। अभी तो ट्रेलर देखते हैं कि कैसा होता है। मैं कह रहा हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें फिर, तो हम चलते हैं हाँ अपनी वीडियोस की जाना। लेट्स लेट्स गो। गो। ओहो, सतवंत कौर। हाँ जी बापू जी, की प्रॉब्लम आ? साडे जवाक सानू पुछदे ने, फिर इत्थे ही करना है, थाने जाओ। मेरा मतलब असीं एक होर जवाक करना चाहुंदे आ, आपां थाने वाले नूं कानू विच पाउणा। तू कर जमड़ा पुत बिना रंजणा, हुण दारू दी रुत बिना रंजणा। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਫਿਲਮ ਫੁਲਮ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵਧਾਈ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਵਾਕ ਵਿਗੜਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਗੜਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬੱਚੇ ਤੇ 4 ਨੇ ਪਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਰਾਬਰ। ਪਿੰਡ ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਤਿਕ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸੱਟ ਭੱਜੀ, ਸੱਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨੀ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਡੈਡੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ 5 ਵਾਰ ਜਵਾਕ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਲੇ 4 ਬਾਂਦਰ ਮੂੰਹੇ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪੂ ਚ ਕੀ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨਵਾਂ ਬੈੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸੌਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ? ਉਮਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪੋਤ ਛੋਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹ ਜੰਮਣਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ। 4 ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ 5ਵੇਂ ਜਵਾਕ ਦੀ? 4 ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਰੋਲਿਆ ਹੋ? 5ਵਾਂ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹੂ। ਜਵਾਕ ਵਾਲੇ ਉਖੜੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਕਰਕੇ ਰਹੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋੜ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਿਆਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਿਉਂ? ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਿਆਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਖੜੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੰਮੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੰਮੇ ਜੀ, ਕੱਢ 100 ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਿਆਣਾ। ਆ 500 ਚੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕੱਢ। ਜਿੰਨੇ ਜੰਮੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੰਮੇ ਰੋਟਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮੇ।
ਨਿਰੰਜਨਾ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ। कमाल यार मूवी यार वो जो इसमें बाप बनाया वो और जो लड़कों में जो मेन है जो बनाया है वो और ये दोनों बड़े फेमस सेलिब्रिटीज हैं और जो वो जो लेडीज बनाई है वो भी बड़ी फेमस है। अगर मैं बात करूं यार अगर हम फनी चीज को अगर एक साइड पे रखें ना तो अगर हम इस फिल्म का जो मकसद है ना उस पर बात करें तो आपको ये मतलब ना वाजे हो जाएगा क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माँ बाप को आप टाइम नहीं देते जी। मेरा मकसद जो इसमें दिखाया गया उन्होंने कहा कि आप मेरे चार पोत ने मेनू पहले मेनू पूछने नहीं 10 साल हो चले ने हाँ। जिन्हें मेरा हाल तक मैं ना दुख सुख नहीं फोलिया ते पंजवें जवाक दी ताही तो जरूरत पै रही है सानू कि साडे ना कोई होवे साडा कोई साथ बने ते साडे ना कोई गल्लां करे बैठे साडा ओ शहर चले गए सी ना सारे मुंडे ते ओ कुड़ी तो हुण ही आ गए इन्ने दिन हो गए तू आया नहीं यार गल आ चीज ठीक है मगर माँ बाप नू छड़ के जाना मेरे ख्याल ना बहुत बेवकूफी होंदी है। इंसान कामयाब हो जाता मगर अपने रिश्ते नाते हर चीज खत्म कर चुका होंदा वा खत्म हो क्योंकि काम दे विच इन्ना बिजी इंसान नू नहीं होना चाहिए टाइम कढ़ना चाहिए कि अपने फैमिली नू दिता जावे अपने रिश्तेदारों नू दिता जावे अपने दोस्तों नू दिता जावे काम अगर काम करते रहोगे काम करते रहो पैसा कमाते जाओगे पैसा कमाते जाओगे पैसा किथे लेके जाओगे मरना वा जरा मर्जी मजहब का हो कोई मर्जी मजहब का हो दसे के मैं पैसा अपने अगले मतलब मरण ना लै गया हो मरण तो बाद मेनू उस पैसे का कुछ मिलिया हो नहीं मिलिया ना वह पिछे ही रह जाता वा मगर सोचना चाहिए कि यार अपनी फैमिली नू टाइम लाजमी दिया करो। मैं तो गुजारिश करना भाई कि अपने माँ बाप नू सबनों पहले टाइम दिया करो अगर तुम शाम नू 7-8 बजे आते हो मगर घंटा डेढ़ घंटा अपने माँ बाप ना बैठा करो हंसी खेडी करया करो कि आ अच्छी गल होंदी है कि इदा जरा परिवार है थोड़ा फैमिली है बहुत खुशहाल होंदी है ते आही भाई मोटिव है। डेफिनेटली यार भाई दा सेम मेरे भी यही अल्फाज ने कि जो भाई ने कहा बिल्कुल सही किया कि माँ बाप के नाल ही तुहानू हर चीज़ मिल सकती दुनिया की खुशी हर चीज़ मिल सकती तुहानू अगर लेकिन तुसी माँ बाप नू टाइम नहीं दोगे वह कभी बदवा नहीं तुहानू देंगे लेकिन वह फिर सैड हो जाते हैं कि यार साड़ी लाज सानू टाइम नहीं दिंदी असी इन्ना पालिया पुलिया पढ़ाया ये वो सब किया लेकिन यार इस बारे थोड़ा सोचना चाहिए तुहानू सानू सारे टाइम देना चाहिए अपने माँ बाप नू ते बाकी फिल्म की गल करिए ते फिल्म दा ट्रेलर मैं हुण भी दस दां कि एंड दे ना ट्विस्ट की आने वाला वा जवाक नहीं होना ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤਰਕੀਬ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕ ਜਵਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਕ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਵਿਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਣ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਰਟਿਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਉਸਕਾ ਲਿੰਕ ਆਪਕੋ ਮੇਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਤੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਆਪਕੋ 3 ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਕੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਮੇਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇਗੀ ਤੋ ਮੈਂ ਤੋ ਟਿਕਟਸ ਖਰੀਦਨੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ आपने खरीदनी है तो बता दो भाई खरीदना अगर आपके पास पैसे हैं तो हमारे भी खरीद लेंगे क्या भाई फिर खरीद लेंगे देखने चलेंगे एंजॉय लाइफ कब करेंगे कब जाएंगे हाँ 15 को चलेंगे सही है तो बाकी अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आप इधर ही वहां पर जाकर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें
ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आपके आसानी पहुंच रहे। लाजमी 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 सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत सा कंटेंट ऑन दी वे है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।